हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आया था मैं घूमने के लिए और हमारे दोस्त भी हैं साथ में। हमारे दोस्त भी हैं ये चारे साथ में। ओ अंसल, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे और ये देखिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। चढ़ते रहो। काय भाई थक गए बहुत जल्दी, अभी तो आधे भी नहीं चढ़े। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और हमारे दोस्त थक ये बैठे हैं। तो भैया थकिए, चलो यार। अबे कुछ नहीं है, अबे तो आधे पहुँचे हैं। देखो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा। हमारे दोस्त थक चुके हैं, ये जा रहे हैं। अंजुल थक चुके। ले ले हमारी भी ले ले। अगर कंपनी वाले तुमको कुछ नहीं करना। बस गाइस देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है और चढ़ाई भी। देखिए सारे लोग थक चुके हैं। चलते रहो। काहे भाई पीछे कैसे हो रहे। अब आ गए हम अंदर की तरफ। ये है पहला गेट। मेन गेट ये है, यहाँ से हम लोग आते हैं। हम दूसरी तरह से आए। अभी बहुत ही कम भीड़ है। मेरी मन टोया जमाई सैना रखना खावे किन्ने तो खासल कोरिया वो बैरिया खावे धोली गेटी में वो काला डोरा न्यारा पड़ गए। धोली गेटी में वो काला डोरा न्यारा पड़ गए। हो गई हाल सर पे तो घड़ पानी चल गए। हो गई हाल। अभी बहुत कम भीड़ है, सोमवार के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे आज संडे है इसलिए सारे लोग घूमने आए हैं, पूजा करने कम आए हैं और बस घूमने के लिए आए हैं। तो ओए खींच ले फोटो। तो भैया हम आ चुके हैं गोवर्धन पूजा पे। हाँ खींच ले भैया खींच ले। चुके हैं देखो, सब गुदबाबे में लगे हैं। जा टाइम जयकारा लगा, ठंडा ले लिया है और बस जा रहे हैं अंदर। खाएंगे पियेंगे हम लोग और बस एंजॉय करेंगे। तो भैया आ चुके हैं। पढ़े ना बेशक लिखी पहला की मैं बोला पर्वत कार तू रानी मेला की तेरी मेरी पार पढ़े ना बेशक लिखी पहला की। बोल भगवान शिव शंकर की जय। बंद कर दे चप्पल। अपल उठाओ अपनी, ढूंढो यार हमारी निकाल दियो। बस भैया चप्पल अपल पहन के बस हम निकल रहे हैं। आइसक्रीम खाते हैं यहाँ पे। ले ले भी ना हो चुका है और दुकानें भी बंद होने वाली हैं। ये देखिए तो बस हम निकल रहे हैं घर की तरफ। गाड़ी मैं भोला पर्वत कार तू रानी मेला की तेरी मेरी पार पढ़े ना बेशक लिखी पहला की। तो बस चलते हैं, चलते रहो आराम से रहो यार। यहाँ पे ढलन बहुत बहुत खाली है यार। यार यहाँ पे एक बोल है ले यार खिलौना।
शैल भी नहीं खिलौना ले लो तो भैया मैंने पिस्टन ले लिया लोगों को खत्म करने के लिए।